कांग्रेस पार्टी ने देखा कि इन्हों की अगवाई में बेड़ी पार नहीं लग सकती। बीबी सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह बुलाया कि अमरिंदर रिजाइन कर दो, इन्होंने रिजाइन करता। सब बीजेपी के वलों पंजाब 2024 दी तैयारियां आरंभ दित्तियां गईयां ने। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा की मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, जिदे विच महाराणी प्रनीत कौर जो पटियाला तो संसद मैंबर ने वह भी शामिल। इन आगुआ का कोई जो दीन मान की गल करिए बिल्कुल नहीं। मैं अक्सर गल करता हूं कि अजक पार्टियां बौणगा हो गई ने, ये लीडर के कद बुत बड़े हो गए। बरनाला साहब की सरकार वेले भी साका काली गर्ज होया दरबार साहब तो एक बार फिर पुलिस गई, उदों भी इन्होंने अस्तीफा देता। 1992 अकाली दल बाइकआउट कर गया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट करता कि आने वाला पंजाब का मुख्यमंत्री। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उदों अकाली दल पंथक वालों चोन लड़े सी, इन्हां दे कई होर आगू भी सी जिन्हां ने चोन लड़ी। कहिंदे तलवंडी साहब बोलण लैणे आ, संगरूर टप्पे इन्हां नूं पता लग्गिया कि उह तां किसे नूं होर देती, चलो तुसीं बठिंडा शहर लड़ लो जी। जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह दीआं गड्डियां दा काफला बीबी वाला चौक बठिंडे पहुंचिया तो पता लग्गिया कि वह टिकट भी बादल साहब ने चरणजी लाल गर्ग नूं। साहब बीजेपी के वलों पंजाब 2024 दी तैयारियां आरंभ दित्तियां गईयां ने ते हुण अज कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा की मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, जिदे विच महाराणी प्रनीत कौर जो पटियाला तो संसद मैंबर ने वह भी शामिल सी। देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वेले भारतीय जनता पार्टी के विच ने जी, इन्हां आगुआं दा कोई जे दीन मान की गल करिए बिल्कुल नहीं। मैं अक्सर गल करता हूं कि अजक पार्टियां बौणगा हो गई ने, ये लीडर के कद बुत बड़े हो गए ने। यह पहली बार नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के माता जी सरदारनी महिंदर कौर सानू पता पटियाले तो मैंबर पार्लीमेंट रहे ने, कांग्रेस वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस वालों मैंबर पार्लीमेंट रहे, उन्हां दी धर्म पत्नी बीबी प्रनीत कौर कई बार मैंबर पार्लीमेंट रहे ते इस बार भी मैंबर पार्लीमेंट ने है कांग्रेस वालों। सो जदों साका नीला तारा होया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अस्तीफा देता सी उदों 1984 च, अकाली दल दे विच आ गए, अकाली दल दे विच 1985 दे विच सरदार सुरजीत सिंह बरनाला की अगवाई में सरकार बनी, उहदे विच ये कैप्टन अमरिंदर सिंह खेतीबाड़ी मंत्री सी। फिर 1986 दे विच बरनाला साहब की सरकार वेले भी साका काली गर्ज होया दरबार साहब तो एक बार फिर पुलिस गई, उदों भी इन्होंने अस्तीफा देता सी। 1997 तक ये श्रोमणी अकाली दल च ही रहे, जदों एक बार 1999 दीआं चोणां होईआं सीगीआं इन्हां ने श्रोमणी अकाली दल पंथक बना लिया। और याद होवेगा जदों 1992 अकाली दल बाइकआउट कर गया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट करता कि आने वाला पंजाब का मुख्यमंत्री। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उदों अकाली दल पंथक वालों चोन लड़े सी, इन्हां दे कई होर आगू भी सी जिन्हां ने चोन लड़ी। और 1997 दे विच इह श्रोमणी अकाली दल दे नाल इन्हां नूं टिकट नहीं मिली, ये डकाला सीट हुंदी सी जिहड़ी अजकल सनौर है, उत्थों टिकट मंगदे सन
पता लग्या कि वह टिकट जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा ने अपने दमाद हरमेल सिंह टौड़ा लई राखवी करा ली। बादल साहब अकाली दल के प्रधान से, उन्होंने कहा कि तुसी इस तरह करो तलवंडी साहब उदों लड़ लो, पहले भी उतों लड़े हो। वो कहिंदे तलवंडी साहब वो लड़ लैंदे आ। संगरूर टप्पे इन्हां नूं पता लग्या कि वह तो किसी नूं होर देती, चलो तुसी बठिंडा शहर लड़ लो जी। जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह दीआं गड्डियां दा काफला बीबी वाला चौक बठिंडे पहुंचिया तो पता लग्या कि वह टिकट भी बादल साहब ने चरणजी लाल गर्ग नूं देती। इन्हां दा तकरार हो गया आपस विच जी, गर्म नारे हो गए शुरू। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल तो पिछे हटे तो बाद दे विच जाके कांग्रेस विच जा सुर मिलाई। और कांग्रेस वल्लों 2002 दे विच मुख्यमंत्री बन के लोग कहिंदे हुंदे सी कि एक टिकट वंडन नहीं मिली, बंदा टिकटां वंडन वाला बन गया तो मुख्यमंत्री जा बनिया। उदू बाद ये लगातार कांग्रेस के नाल रहे। 2017 दे विच फिर चोण हुई तो कांग्रेस जित गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर मुख्यमंत्री बन गए। पर उस वेले तक इन्हां दीआं चर्चावां बहुत चल पईआं, लोकां नूं मिलना नहीं, पहाड़ां ते रहना। चर्चावां तां कुछ पिछली सरकार च वी शुरू हो गईआं सी। अखीर कांग्रेस पार्टी ने देखिआ कि इन्हां दे अगवाई विच बेड़ी पार नहीं लग सकदी। बीबी सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बुलाया कि अमरिंदर रिजाइन कर दो। इन्होंने रिजाइन करता तो कहते मेरे को बदल बहुत ने, क्योंकि पहला अकाली दल कांग्रेस फिर कांग्रेस अकाली दल कांग्रेस, इस तरह का खेल चलता सी। इस खेल के दौरान ये भारतीय जनता पार्टी प्यारी होगी, जिस भारतीय जनता पार्टी को गाला कढ़ते सी उसे भारतीय जनता पार्टी च नीमा जा सिर करके जाना पै गया। और कांग्रेस ने भी वो जिहड़ा रौला चलता सी पंजाब विच राजस्थान दे विच भी चलिया, मध्य प्रदेश चलिया, कर्नाटका चलिया, उन्हूं इन्हां ने कुछ सही ढंग दे नाल नेपरे नहीं चढ़ाया। तो जां इह कह लो कि कई बार सितारे गर्दश विच हुंदे ने ते कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए भारतीय जनता पार्टी दे विच। भारतीय जनता पार्टी तो पहला इन्होंने आ जो 22 दियां चोणां ने, इदू पहला एक पंजाब लोक कांग्रेस नां दी पार्टी बनाई सी, उहदा जिहड़ा रलेवा एक मिलके भारतीय जनता पार्टी नाल तकरीबन 27 सीटां ते चोण लड़ी और सारियां ते बहु गिनती विच जवान ते जब्त हो गई। सो इन्होंने इस मामले दे विच कल जगत प्रकाश नड्डा होशियारपुर के रैली कर आए सी कि भाजपा ने कल्या चोन लड़नी हूँ अजक सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा हो कैप्टन अमरिंदर सिंह का भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गए, सुनील जाखड़ शामिल हो गए। जे 2021 कांग्रेस ने यह कलेस सही तरीके लबेड़िया हों, हो सकता ये आगू उधर ना जाते। हुण इत्थे सवाल एक पैदा हुंदा है कि बीबी परनीत कौर मैंबर पार्लीमेंट ने कांग्रेस वल्लों जी बिल्कुल ते सरगर्मियां करदे ने भारतीय जनता पार्टी दे विच, उन्हां दी पुत्री बीबी जयेंद्र कौर बहुत सरगर्म ने इत्थे पटियाले दे विच। कुछ दिन पहला इत्थे भाजपा दे वड्डे आगू भी आके गए है, उहदे विच इन्हां ने मीटिंगां कीतियां इधर। तो कांग्रेस की जिहड़ी हाईकमान है वह ना तो कोई एक्शन लैंदी है, ना सूबा कांग्रेस लैंदी है। यह सवाल सियासी हल्कियां दे विच ने कि जो बीबी परनीत कौर इस वेले भारतीय जनता पार्टी दे समागमां विच जांदे आ, जगत प्रकाश नड्डा दे नाल उत्थे जांदे आ, तो सवाल विरोधी चुक रहे ने कांग्रेस वाले कि कांग्रेस हाईकमान है जिहड़ी वह इन्हां ते एक्शन क्यों नहीं लै रही, उन्हां दीआं सरगर्मियां तां पता नहीं उहदे विचों की कहणगे। जां इह कहणगे वी उह तां कोई समागम नहीं सी, घर मिलन आए सी ते घर मिलन आए दा स्वागत करना पंजाबियों दा
पहला फर्ज। डी फाइव चैनल पंजाबी ते होवेगी भख दे मुद्दियां दी गल, सियासी पार्टियां नू करांगे सवाल ताकि लोक मसले होण हल। 5 जून तो लैके आ रहे हैं तुहाडे भरोसे दे साथी डी फाइव चैनल पंजाबी ते पंजाब डिबेट। सोमवार तो शुक्रवार तक शामी 6 बजे तो 7 बजे तक वेखना ना भुलना पंजाब डिबेट। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगे हर पहलू ते रोस चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।